पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का विषय यानी कि थीम जो है विविधता और समावेश का जश्न है। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, विविधता और समावेश का जश्न है। इसका उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यकों को समावेशित और विविधता को बढ़ावा देना है। तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया है। अब बात है इम्पोर्टेंट डे की, तो एक लाइन से हम 1 दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया है विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 6 दिसंबर को मनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 8 दिसंबर को मनाया गया है बोधि दिवस। 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मनाया गया है मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को मनाया गया है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को मनाया गया है विजय दिवस और 18 दिसंबर को मनाया गया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये हैं दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं, ये हैं दिसंबर के इम्पोर्टेंट दिवस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, सौरभ कोठारी। ये है सौरभ कोठारी जो कि पहला सीनियर नेशनल स्कूनर खिताब जीता है, ठीक है ना। 17 दिसंबर पेट्रोलियम सिंह संवर्धन बोर्ड के सौरभ कोठारी ने रविवार को यहां फाइनल में उत्तर प्रदेश के पारस गुप्ता को 6-2 से हराकर पहली बार सीनियर राष्ट्रीय 15 रेड स्कूनर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, हरियाणा, ठीक है ना। हरियाणा जो है शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में 17 दिसंबर को संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य सहित 105 पदक हासिल करके उद्घाटन खिताब जीता है। अब बात है हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंदा रेव दत्ता रेया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, कुवैत। कुवैत के अमीर महामहिम शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा का 16 दिसंबर 2023 को निधन हुआ है। दिव्यांगत व्यक्ति के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 17 दिसंबर को एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। अब बात है कुवैत की, तो ये है मैप में कुवैत, ठीक है ना। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। पीएम कौन है यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नसीन मोहम्मद अल अहमद अल सबा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, लखनऊ में। यह है जगदीप धनखड़ जी जो कि उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजाजीपुरम स्थित पीए नटी ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी? महाराष्ट्र की कैपिटल होगी मुंबई। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? रमेश वैस, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, भाषिणी एआई, ठीक है ना। काशी तमिल संगमन ने पीएम मोदी के भाषण के दौरान एक नया प्रयोग किया था, जिसमें तमिल समझने वाले दर्शकों के लिए भाषिणी नामक एक नया रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद उपकरण का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट के क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के आठवें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो नाथन लियोन, बी ऑप्शन राइट होगा, नाथन लियोन है, ये है नाथन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर गेंदबाज नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। विश्व क्रिकेट में 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लेने वाले लियोन दुनिया के आठवें और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे गेंदबाज बने हैं, ठीक है ना। हम बात है क्रिकेट से, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की भी सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इसराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन राइट होगा, रुवेन अजार, सी ऑप्शन राइट होगा, ये है रुवेन अजार, जिन्हें इजरायली सरकार ने 17 दिसंबर को भारत के नए राजदूत के रूप में रुवेन अजार को नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। अजार, जो वर्तमान में रोमानिया में इसराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत की भी भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत में ही डिजाइन और विकसित किए गए समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की एक यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नाजिर यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सी ऑप्शन राइट होगा, हैदराबाद। सीआरपी के आंकड़ों से पता चला है कि 2022 में खाद्य पदार्थों के मिलावट के मामलों में हैदराबाद देश में शीर्ष पर रहा है। तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश था। 19 प्रमुख भारतीय शहरों में मिलावटी भोजन के कुल 291 मामले सामने आए, जिनमें से अकेले हैदराबाद में 246 मामले सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, शेख हसन खान। ये है शेख हसन खान, जो कि केरल के 36 वर्षीय सरकारी कर्मचारी शेख हसन ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जो 5वीं सबसे ऊंची चोटी पर उसकी विजय का प्रतीक है। चढ़ाई के दौरान दोनों हाथों पर शीत दंश सहने के बावजूद खान शिखर पर पहुंचे और गर्व से भारतीय ध्वज को फहराया। उनका मिशन अंटार्कटिका के जल परिवर्तन की चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्वेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, वाराणसी में। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा ये मंदिर महर्षि सदाफलदेव जी की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, संदीप कुमार। ये हैं संदीप कुमार, जो कि रविवार को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में MMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के चौथे और अंतिम दौर में संदीप कुमार और चेतन सुरनेनी ने MRF फार्मूला 2000 और 1600 का खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबल्टी किफ फेस्टिवल सर्वेस्ट फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, इसराइल। ये है मैप में इसराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी क्या है? इसराइल नई सैकल यहाँ की करेंसी है। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारी इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।